भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुक्रवार को सुबह सासाराम में शुरुआत हुई। बिहार में दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं। सासाराम में रोड शो करने के बाद न्याय यात्रा रोहतास से कैमूर पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रोहतास से कैमूर के बीच NH2 पर महागठबंधन के कार्यकर्ता जगह जगह पर एकत्रित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों नेताओं के स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव NH2 होते होते दुर्गावती प्रखंड के धनेक्षा तक रोड शो करेंगे। धनेक्षा इंटर स्तरीय स्कूल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने और सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार में हैं। खबर है कि इस यात्रा में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव भी जरूर शामिल रहेंगे। भले ही राजद और कांग्रेस के बीच बिहार में गठबंधन है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के नजरिए से तेजस्वी यादव का राहुल के साथ मंच साझा करने के कई मायने हैं। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान का संघर्ष जारी है, तो वहीं राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भारत के अन्य हिस्सों के किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वह बिहार और झारखंड के किसानों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चरण में उन्होंने रोहतास जिले के टेकरी में भी किसानों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं सुनी है और समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे हैं। दरअसल ये पहली बार होगा जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ने के बाद राजद नेता बिहार में गांधी के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव कैमूर जिले में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। राहुल गांधी कैमूर दुर्गावती प्रखंड के धनेक्षा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वह उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाएंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा बिहार में तब पहुंची जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं। हालांकि उसके बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि जो झंडा आपने उठाया था उसे अब तेजस्वी यादव लेकर चलेगा। जी हाँ, ये बातें तेजस्वी यादव ने बहुत ही फॉर्म के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनाई थी कि जो झंडा आपने उठाया था कि आप मोदी को देश से बाहर करेंगे, अब वो काम आपका भतीजा करेगा। अब उसी झंडे को आपका भतीजा उठा लिया है और अब मोदी को बिहार से बाहर करेगा। ये बातें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कही थी। फिलहाल तेजस्वी यादव राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल है। दोनों नेता एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश और मोदी को इस बार से जरूर घबराना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।